पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि स्योंगिल ने मून की जान बचाने के एम से उसे चाकू मारा था और फिर किसी ने उसका ही मर्डर कर दिया था। मून की कंडीशन अभी पूरी ठीक नहीं थी, पर वो कहीं जाने के लिए निकलने लगता है। येबन उसे रोकने की कोशिश करती है तो भी वो नहीं रुकता, तो येबन भी कार में बैठ जाती है ये बोलकर कि वो भी साथ जाएगी। मून येबन के साथ सीधा सॉल जाता है बेक के यहाँ और उसे मारने लग जाता है। वो इतना ज्यादा मारने लगा था कि लग रहा था कि वो मार ही डालेगा, तो येबन आकर उसको रोकती है। तो मून कहता है कि सामने से हटो, इसी ने स्योंगिल को मारा है। बेक तो मना कर रहा था, तो येबन कहती है कि मुझे चेक करने दो, मैं बताऊंगी कि इसने मारा है या नहीं। येबन बेक के बम को टच करती है तो देखती है कि उसने मून को मारने का ऑर्डर तो दिया था, पर स्योंगिल के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं है। येबन यही बात मून को बताती है कि इसने मर्डर नहीं किया है। मून तो अब भी नहीं मान रहा था, तो येबन कहती है कि मैंने सब कुछ देखा, क्या मेरी बात पे तुम्हें भरोसा नहीं। मून कहता है भरोसा तो है, पर इसको मारने के और भी बहुत से रीजंस हैं। मून फिर से बेक को मारने आगे बढ़ता है, तभी उसका डिटेक्टिव दोस्त दूसरे डिटेक्टिव्स के साथ वहाँ पहुँचता है। मून को लगता है कि वो बेक को अरेस्ट करने आया है, पर वो बेक के साथ साथ मून को भी अरेस्ट कर लेता है, ये बोलकर कि किसी ने रिपोर्ट लिखवाया है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिस के साथ जाता हुआ बेक बहुत ध्यान से येबन की तरफ देखता है। फिर हम सॉल के पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां मून बंद था। जोंगमुक वहां आकर उससे हालचाल लेता है, फिर स्योंगिल के ऑटोप्सी की फोटोज दिखाकर कहता है कि किलर ने रैंडमली चाकू से मारा है। उसे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कहां पे मारना है या कितना गहरा मारना है। अगर बेक को ही मारना होता तो वो किसी ऐसे आदमी को क्यों भेजता, वो तो किसी प्रोफेशनल को भेजता। जोंगमुक के जाने के बाद मून का दोस्त वहां आता है। मून के कहने पे उसने बेक के बोट्स के बारे में पता किया था और उसे एविडेंस मिला कि बेक फिशिंग बोट्स खरीदकर उन्हें ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए यूज करता है। वो मून से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता था, तुम्हारा कोई इन्फॉर्मेंट है क्या। तो मून येबन की तरफ देखता है जो वहीं पे सोई हुई थी और कहता है कि हाँ मेरा इन्फॉर्मेंट है जिसे सब पता है। फिर हम देखते हैं कि जोंगमुक येबन को वापस लाता है और ड्रॉप करके पूछता है कि तुम्हारे और मून के बीच कुछ चल रहा है क्या। येबन चौंक जाती है और बार बार मना करने लगती है, पर जोंगमुक को पूरा विश्वास नहीं होता। नेक्स्ट डे येबन देखती है कि ओखुई कोई डिश बना रही थी। वो पूछती है तो ओखुई बताती है कि मून वापस आ रहा है तो वो उसके लिए बना रही है। येबन पूछती है कि आखिर तुम्हें वो इतना क्यों पसंद है, तो ओखुई कहती है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह मुझसे डरता नहीं है। बाद में मून जब आता है तो ओखुई दौड़ के उसके पास जाकर वो डिश देती है, पर मून मना करके सीधे येबन के पास जाता है और हेल्प मांगता है। येबन थोड़ी कंफ्यूज होती है तो मून कहता है कि जहाँ स्योंगिल की डेथ हुई वहाँ कोई सीसीटीवी या आई विटनेस नहीं था और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स थे। मुझे अब बस तुमसे ही उम्मीद है, स्योंगिल को जिसने भी मारा मुझे उसे पकड़ना है, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। मून येबन के साथ क्राइम सीन पे पहुंचता है। येबन कहती है कि यहाँ तो कोई कुत्ता बिल्ली कुछ दिख ही नहीं रहे, तो बिना किसी को टच किए मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तभी उन्हें वहाँ पे एक सांप दिखता है। फिर तो मून उस एरिया के आसपास जितने भी सांप थे सबको पकड़ कर ले आता है और येबन से टच करने को बोलता है। येबन को तो पता भी नहीं था कि सांप का बम किधर होता है। वो हर तरफ सांप को टच कर करके देखने लगती है। आखिर एक सांप को टच करने पे उसे वो किलर दिखता है जिसने स्योंगिल को मारा था। वो मून को बताती है कि उसने जब स्योंगिल को टच किया था तब भी उसे रेनकोट वाला आदमी दिखा था और अभी भी वही दिखा है। येबन रेनकोट डिस्क्राइब करती है तो मून को रियलाइज होता है कि वो रेन पोंचो की बात कर रही है। येबन ये भी बताती है कि किलर ड्रंक तो नहीं था, पर उसकी चाल थोड़ी अलग सी थी। मून येबन को लेकर एक स्टोर जाता है जहां वो कंफर्म करती है कि ऐसा ही रेन पोंचो था, पर दिक्कत ये थी कि शहर में लगभग हर इंसान के पास वैसा ही रेन पोंचो था। मून फिर जोंगमुक और बाकी डिटेक्टिव्स को बताता है कि किलर ने रेन पोंचो पहन रखा था। जोंगमुक पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, तो मून कहता है कि स्योंगिल ने मरने से पहले ये बताया था। जोंगमुक फिर वही बात कहता है कि यहाँ पे रेन पोंचो तो बहुत कॉमन है। तो मून कहता है कि मर्डर वाले दिन बारिश नहीं हो रही थी, मतलब किलर ने रेन पोंचो पहना ताकि बाद में वो ब्लड इजीली हटा सके, तो मर्डर करने का प्लान उसने पहले से ही बना लिया था। इधर येबन अपनी आंट को एक चाकू यूज करते देखती है तो उसे ध्यान आता है कि किलर ने भी ऐसे ही चाकू यूज किया था। वो चाकू लेकर उसी समय पुलिस स्टेशन पहुँचती है
और मून के कान में बताती है कि किलर के पास भी ऐसा ही चाकू था। मून इस चाकू से स्योंगिल के घाव कंपेयर करने की बात कहता है, पर तब उसे पता चलता है कि ये चाकू भी यहाँ बहुत कॉमन है और लगभग हर घर में मिल जाएगा। मून कहता है कि एक बात तो पक्का है कि किलर इसी शहर का रेसिडेंट है। दूसरी तरफ हम ओकुई को देखते हैं, जो शामन से मिलकर एक तावीज मांगती है जिससे मून उसके प्यार में पड़ जाए। शामन एक पेपर में कुछ मंत्र जैसा लिखकर देता है और कहता है कि इसे मून के अंडरवियर में रखना। ओकुई मून का लॉक पिक करके उसके घर में घुसती है वो तावीज रखने के लिए, और उसी समय मून घर पहुंच जाता है। उसे कुछ शक होता है तो वो इधर उधर देखने लगता है, पर ओकुई तो छुपने के लिए उसकी खिड़की से लटकी हुई थी। उसके घर वाले नीचे से उसे देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, हेल्प की जरूरत होगी तो वो खुद मांगेगी। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। येबन के पास एक क्लाइंट अपनी पपी के साथ आई थी, जिसकी शिकायत थी कि उसका पपी आजकल बहुत थका थका सा रहता है। येबन चेक करने के लिए उसके बम को छूती है तो देखती है कि पपी अपने लीश को छुड़ाकर बीच तक घूमने चला जाता था और वहाँ का सॉल्टी वाटर पीने की वजह से ऐसा हो गया था। येबन पपी की ओनर को बताती है कि उसे ज्यादा पानी पिलाए तो वो ठीक हो जाएगा। येबन का हाथ अब भी पपी के बम पे था। अचानक से उसकी मेमोरी में उसे एक डेड बॉडी दिखती है। वो उसी लोकेशन पे चेक करने जाती है तो सच में वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी थी। फोरेंसिक वालों से पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, और बॉडी इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी कि उस समय ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये कौन है। इस केस में भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने रैंडमली चाकू से मारा हो। बाद में फाइनली सबको पता चलता है कि बॉडी उसी स्ट्रीमर सिया की है जिसे येबन और मून ने पहले बचाया था। मून सिया के मैनेजर से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि लास्ट उसने सिया को 2 वीक पहले देखा था, जिस दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। मून पूछता है कि इन 2 वीक्स में तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो मैनेजर कहता है कि सिया के लिए ये नॉर्मल था, अक्सर वो ऐसे ही गायब हो जाया करती थी। मैनेजर से मून को सिया के बॉयफ्रेंड का पता चलता है, जहां वो जाने वाली थी। मून उसके बॉयफ्रेंड से पूछता है तो वो कहता है कि वो मिलने आने वाली तो थी पर आई नहीं। मून पूछता है कि तुमने पता नहीं किया क्या कि वो क्यों नहीं आई, तो वो कहता है कि सिया कभी कभी अपना माइंड चेंज कर लेती थी और ऐसे भी उसे उससे ब्रेकअप करना था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैनेजर से मून को ये भी पता चलता है कि सिया एक कन्वीनियंस स्टोर गई थी। मून उस स्टोर पे जाता है तो वहाँ सुनवो काम करता था। वो कहता है कि उसे वो लड़की याद है, उसने तो उसे अपना नंबर भी दिया था। मून पूछता है कि तुमने उस नंबर पे कॉल किया था क्या, तो सुनवो मना करता है। सुनवो बताता है कि सिया ने शामन पार्क से भी कुछ बातचीत की थी। शामन से मिलने पे वो उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसने सिया के साथ स्टोर के बाहर बनाया था। उस वीडियो में मून को सिया की कार दिखती है जब वो वहाँ से निकल रही थी, और सिया के कॉल हिस्ट्री से मून को एक ऑटो रिपेयर शॉप का नंबर मिलता है। वो वहाँ जाता है तो वहाँ सिया की कार थी। रिपेयर शॉप वाला बताता है कि जब वो कार ठीक करने गया तो वहाँ कोई नहीं था, तो वो कार लेकर आ गया। उससे मून को पता चलता है कि कार का एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। वो जाकर चेक करता है तो उसे वैसा कुछ मिलता नहीं है। फिर हम डिटेक्टिव ना और बेदियोग को देखते हैं। बेदियोग ना को बताता है कि उसका लास्ट ट्रांजैक्शन 2 वीक पहले कन्वीनियंस स्टोर में हुआ था। वो ये भी बताता है कि असेंबली मैन चा के ऑफिस से उसके अकाउंट में पैसे डाले गए थे। डिटेक्टिव ना मिस्टर चा से इस बारे में पूछने जाती है तो वो एक वीडियो दिखाकर बताता है कि वो एक फेमस स्ट्रीमर थी, तो मैंने उसे अपने प्रमोशनल वीडियो में रहने को बोला था। फिर हम मून को देखते हैं। वो वापस आता है तो येबन उसका वेट कर रही थी। वो बताता है कि अभी तक बस ये पता चला है कि इंसिडेंट वाले दिन उसके कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस पे येबन को ध्यान आता है कि उसने जब ग्वांगसिक के बम को छुआ था तो उसने सिया का एक्सीडेंट होते देखा था। मून जाकर ग्वांगसिक से इस बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हाँ, इस लड़की का एक्सीडेंट कुछ समय पहले हुआ था, मैंने हेल्प भी ऑफर किया था तो उसने मना कर दिया था। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। मून को अब शक था कि जिसने स्योंगिल को मारा वही सिया का भी किलर हो सकता है, क्योंकि दोनों विक्टिम्स को सेम तरीके से सेम वेपन से मारा गया था। जोंगमुक ये मानने को रेडी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा होने का मतलब था कि यहाँ सीरियल किलर है, जो इस छोटे से शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हम येबन को देखते हैं। उसे एक पेशेंट को देखने जाना था तो वो रात में ही अकेली निकलती है। तभी मून वहाँ आता है और उसको अकेला जाता देख उसके साथ जाने लगता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। येबन तो ये सुनकर खुश होने लगती है तो वो आगे कहता है,
जब तक किलर मिल नहीं जाता। उस समय हम ओकोई को भी देखते हैं, जो दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो रही थी। मून येबन को इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है कि उसे शक है कि स्योंगिल और सिया का मर्डरर एक ही है और वो इसी टाउन का रहने वाला है। मून येबन से हेल्प मांगता है तो वो कहती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। मून कहता है कि तुम्हें इस टाउन के हर इंसान को टच करना होगा। इस टाउन में 30,000 लोग हैं, तो अगर तुम हर दिन 1,000 लोगों को टच करोगी तो एक महीना ही लगेगा। मून फिर येबन को एक बड़े से बॉक्स में बिठा देता है जिसमें एक होल बना था, और बारी बारी से जितने भी क्रिमिनल जैसे लोग उस एरिया में थे सबको बॉक्स के पास भेजता है ताकि येबन उनको टच कर सके। दूसरी तरफ हम ओकोई को देखते हैं, जो शामन के पास जाती है। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि मून येबन को पसंद करता है, तो वो शामन से ऐसा तावीज मांगती है जिससे दो लोगों के बीच सब गड़बड़ हो जाए। शामन उसे एक तावीज बनाकर देता है और बताता है कि ये जिसके पास भी होगा उसके लिए बैड लक लेकर आएगा, जिससे उसका हर रिलेशनशिप भी फेल हो जाएगा। ओकोई ये तावीज ले जाकर येबन के पिलो में रख देती है, पर बाद में येबन के आंट से बात करते हुए उसे रियलाइज होता है कि वो येबन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो वो आधी रात को ही येबन के पास जाकर उसका पिलो ले लेती है, ये बोलकर कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो ऐसे इंसान का पिलो चाहिए जो बहुत सोता हो। ओकोई को अब लगता है कि एक लड़के के चक्कर में वो क्या कर रही थी, तो वो दोनों तावीज हवा में उड़ा देती है। बैड लक वाला तावीज हवा में उड़ता उसी आदमी के कार में लग जाता है जिससे ओकोई अपना काम करवाती थी, और फिर उसका कार साइड में टकरा जाता है। फिर वो कार से जैसे निकलता है उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरने ही वाला था तब ओकोई आकर उसे पकड़ लेती है। उस समय प्यार करवाने वाला तावीज उस पे आकर लग जाता है और उसके मन में इस आदमी के लिए फीलिंग्स आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। येबन मून को बताती है कि टाउन में आज एक रिचुअल हो रहा है नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए, तो मून येबन को लेकर वहाँ पहुँचता है ताकि वो ज्यादा लोगों को टच कर सके। वहाँ सुनवो को देखकर येबन उसकी तरफ बढ़ती है तो मून उसको रोक लेता है। वहाँ येबन की आंट योनोक का एक्स हस्बैंड भी आता है, जिसको देखकर उसके ग्रैंडफादर उसको एक चाटा मारते हैं। जोंगमुक जो उसका पहले दोस्त था उसको आकर वहाँ से ले जाने लगता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहता है कि वो योनोक से पैचअप करने आया है। येबन सबको टच करना शुरू करने ही वाली थी तो अचानक से शामन को कुछ होने लगता है। उसकी बातों से तो लग रहा था कि स्योंगिल और सिया के स्पिरिट ने उसे पजेस किया हुआ है। उसकी आवाज भी अलग लग रही थी। वो मून के पास जाकर कहता है कि मुझे मारने वाला इंसान यही है। ये बोलकर शामन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।